हो रही है कार्रवाई? देखिए ये इस पर्टिकुलर केस में क्या है तथ्य आएंगे तभी हम कुछ बात कह पाएंगे, लेकिन एक बात तो तय है कि ये सरकार और इसकी कार्यशैली पूरे देश में हर विपक्षी आवाज़ के लिए एक समान है। सरकारी एजेंसियों द्वारा किसी भी विपक्षी पार्टी का कोई नेता हो या कोई स्वतंत्र जर्नलिस्ट हो जो इस सरकार की जो है को क्रिटिक के रूप में बात रखने का मादा रखे, वो सारे लोग सरकार के निशाने पर रहते हैं। सरकारी जांच एजेंसियों का इस्तेमाल करके कोई भी विपक्षी आवाज़ या कोई निष्पक्ष आवाज़, उन आवाज़ों को सरकार किसी प्रकार से कुचलने का प्रयास करती आई है, ये कोई नई बात नहीं है, कोई चौंकाने वाली बात नहीं। पीएम उन्होंने निशाना साधते हुए आप लोगों पर और कहा कि कांग्रेस ने जो है लोकतंत्र को लोकतंत्र मचा दिया है और प्रजातंत्र को परिवारतंत्र मचा दिया है, और उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि जहाँ तक ये लोग ये कह रहे हैं कि जितनी आबादी उतना हक। मैं उनको बताना चाहूँगा कि मनमोहन सिंह जी ने कहा था कि अल्पसंख्यकों पर पहला अधिकार संस्थापन। देखिए ये जो कह रहे हैं प्रधानमंत्री की लोकतंत्र को लूटतंत्र मचा दिया, हमने लोकतंत्र को लूटतंत्र नहीं बनाया, इन्होंने प्रजातंत्र को प्रचार तंत्र बना दिया। ये नए नारे लाते हैं, गोदी मीडिया के माध्यम से उनका प्रचार कराते हैं और प्रजातंत्र को एक प्रचार तंत्र के रूप में परिवर्तित करने का इन्होंने काम किया है, ये सारा देश जानता है। बिहार में जो डेटा रिलीज हुआ है जाति जनगणना का, उसका 24 इलेक्शन से क्या इंपैक्ट होगा? बाकी स्टेट जहां बीजेपी है, कांग्रेस पार्टी की ये मांग है कि कास्ट सेंसस होना चाहिए ताकि 36 बिरादरी हर वर्ग को अपने अधिकार मिल सके। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।